तनाव पर काबू पाने और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर गेल अधिकारियों के लिए दिल्ली के मयूर विहार में इनहेंसिंग इनर पावर विषय पर वर्कशॉप हुई। यह वर्कशॉप ब्रह्मा कुमारीज नोएडा और गेल के संयुक्त प्रयास से आयोजित रही, जिसमें राजयोग शिक्षिका बी के रेणु मुख्य वक्ता रहे, जबकि गेल के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक पवन शर्मा विशेष अतिथि रहे। कार्यशाला में बी के रेणु ने सभी से राज्यों के फायदों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अभ्यास से आंतरिक गुणों और शक्तियों का विकास होता है। पुणे के जगदम्बा भवन में माउंट आबू से पधारे राजयोगी बी के सूरज भाई के आगमन पर विशेष कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का विषय था राजयोग से समस्याओं का समाधान। यह सत्र जगदम्बा भवन के ज्ञान वीणा सभागृह में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जगदम्बा भवन के निर्देशिका बी के सुनंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के दशरथ, बीजेपी युवा नेता राजेंद्र भिंताड़े, महेश मसाल और बी के सूरज भाई की उपस्थिति में एक अभियान का भी आगाज किया गया। सभा में उपस्थित 500 लोगों को सूरज भाई ने समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही सभी को राज्यों की अनुभूति भी कराई। संबंधों में जो मनुष्य झुक के चलता है, जो मनुष्य दूसरे के विचारों को सम्मान देकर चलता है, जो मनुष्य दूसरों को भी समझने की कोशिश करता है, वहाँ झगड़े नहीं होते। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको हम। मन के कारण हमारे बॉडी में 95 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। मन के थॉट्स कैसे हैं मेरे, क्वालिटी बहुत लो हो गई है कलयुग के अंत में। तो राजयोग के द्वारा इस क्वालिटी को हाई किया जाता है, ओवरथिंकिंग को स्लो किया जाता है। जैसे इस संसार में सूरज का प्रकाश चारों ओर फैलता है, यहां सर्वशक्तिवान का तेज चारों ओर फैला हुआ है। ये हमारी परम पिता, यही है वो जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है। पुणे में संयुक्त राष्ट्र विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारीज एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुणे के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत आरटीओ पुणे से होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा पर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से नागरिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। रैली का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को सड़क यात्रा के दौरान सुरक्षित रखना था। रैली में मुख्य अतिथि आरटीओ उप अधीक्षक संजीव भोर ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालकों का सहयोग बहुत जरूरी है, तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। रैली में सभी आरटीओ अधिकारी, ब्रह्मा कुमारी रविवार पेट के सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोहिणी, बीके आकांक्षा समेत कई बीके सदस्य मौजूद थे। राजकोट में जल जन अभियान के तहत स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज की ओर से जलाशय को गोद लेकर उसका नामकरण किया गया। राजकोट हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर के पास गड़का गांव के जलाशय को अब ब्रह्मा कुमारीज और गहरा करेगी, ताकि बारिश का पानी उसमें एकत्र हो सके। ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की डायरेक्टर बी के भारती दीदी के मार्गदर्शन से इस जलाशय का नामकरण कर ओम शांति सरोवर दिया गया है। जलाशय के पुनरुत्थान के लिए गड़का गांव के कई समाज सेवक और गीर गंगा ट्रस्ट परिवार ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रभाग की चेयरपर्सन बीके सरला, ओनर ऑफ बालाजी वेफर्स भीखुभाई विराणी, गीर गंगा ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी दिलीप भाई सखिया, गड़का गांव सरपंच केयूर भाई, सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट के विजय भाई मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। प्रबंधकों एवं कार्यपालकों के लिए इंदौर में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे आरएपीटीसी, पीआरटीएस, बीएसएफ एसटीसी, बीएसएफ सीएसडब्ल्यूटी में वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस फ्री वर्किंग जैसे विषयों पर कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रमों में संस्था की ओर से विख्यात ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया। मुंबई से हेल्थ काउंसलर डॉक्टर दिलीप नलगे,
इंदौर से मेमोरी ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर श्रीपाल मालवी और बिलासपुर से बीके मंजू दीदी ने कई सेशन लिए। साथ ही इन कार्यक्रमों में RAPTC कैंपस में DSP हेमेंद्र सूर्यवंशी, इंस्पेक्टर चतुर्भुज जिरारती, PRTS कैंपस में SP चंद्रशेखर चंद्रावत, DSP राजेंद्र सिंह वर्मा, दंडपाल भूपेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे। दार्जिलिंग में स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता मुख्य वक्ता रहे। आयोजन में दार्जिलिंग जिला अस्पताल के पदाधिकारी डॉक्टर चौधरी, सूचना और सांस्कृतिक विभाग के सभासद अनोज थापा, यशश्री कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप लामा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोना ने की और संचालन बीके बबीता ने किया। आयोजन में दार्जिलिंग के गुड स्टार्ट स्कूल के बच्चों ने सुंदर डांस पेश किया। कितना हम एक्सरसाइज करते हैं और साथ साथ दोस्तों सिर्फ खाना पीना शरीर का ध्यान नहीं, लाइफस्टाइल हमारी लाइफ की भी बात करती है, हमारे सोचने का भी तरीका, हमारा जीवन को जीने का भी तरीका, ये भी हमारे लाइफस्टाइल को दोस्तों डिटरमिन करता है। ब्रह्मा कुमारी राजयोग उप सेवा केंद्र कोपुंडोल ललितपुर की रजत जयंती एवं नव निर्मित दिव्य अनुभूति भवन का उद्घाटन धूमधाम से मनाया गया। रजत जयंती समारोह इंटरनेशनल क्लब के विशाल प्रांगण में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह के प्रमुख अतिथि नेपाल पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर इंदिरा राणा मगर रही। आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति, आपसी सद्भाव और मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने के लिए महान कार्य कर रहा है। समारोह के विशेष अतिथि पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर तोशीमा कार्की, ललितपुर के मेयर चिरी बाबू महर्जन, इलेक्शन कमीशन के पूर्व आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पोडेल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारी काठमांडू नेपाल की निदेशक राजयोगिनी राज दीदी ने की। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गीत, कविता, नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। वहीं 25 साल से सेवा केंद्र को सहयोग कर रहे बीके सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इससे पहले राजू मेडिटेशन फॉर मेंटल पीस विषय पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें नेपाल के कानून, न्याय और संसदीय व्यवस्था मंत्री धनराज गुरुड़ प्रमुख अतिथि रहे। अब कुछ खबरें एक नजर में। छत्तीसगढ़ धमतरी के वंदना विहार कॉलोनी में सेवा केंद्र के लिए नई भूमि का हुआ नामांकन। गांधीनगर गुजरात की बीके कैलाश दीदी ने सेवा केंद्र को नाम दिया शिव सरोवर। शिव सरोवर के नामांकन पर पधारे शिव प्रेमियों से कैलाश दीदी ने किए अपने दिव्य अनुभव साझा। इस अवसर पर महापौर नगरपालिका निगम धमतरी विजय देवांगन, धमतरी विधानसभा क्षेत्र विधायक रंजना दीपेंद्र साहू आदि गणमान अतिथि रहे उपस्थित। इस मौके पर कैलाश दीदी ने कहा कि शिव सरोवर में अनेक आत्माएं डुबकी लगाकर बनेंगी पावन। मध्य प्रदेश के छतरपुर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सामाजिक सरसता समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर DP शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि रही बीके शैलजा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने की सहभागिता। मध्य प्रदेश मंडला में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा Y20 कार्यक्रम हुआ संपन्न। ये आयोजन खेरी में सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग में किया गया। कार्यक्रम में इंदौर जोन के युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके ममता दीदी, बीके अमृता दीदी ने सभी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान और यूथ विंग का दिया परिचय। महाराष्ट्र नांदेड़ के फरांदे पार्क में महाराष्ट्र दिवस एवं कामगार दिवस के साथ मनाया गया मातृ दिवस। सभी सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, लाइनमैन और घरेलू काम करने वाली माताओं बहनों को किया गया सम्मानित। सत्कार समारोह में सेंटर इंचार्ज बीके स्वाति दीदी ने दिया सभी को आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय। कार्यक्रम में सुखमणि उप सेवा केंद्र संचालिका बीके अनीता दीदी,
मुदखेड़ उप सेवा केंद्र संचालिका बीके पूजा दीदी ने सभी कर्मचारियों के प्रति जताई कृतज्ञता। जम्मू एंड कश्मीर सांबा एवं यूथ विंग की ओर से आयोजित किया गया Y20 कार्यक्रम, केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय के सहयोग से हुआ आयोजन। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सहायक प्राध्यापक गीता पलखोत्रा रही। चंडीगढ़ से यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अरुण भाई रहे उपस्थित। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।